चलो अरफा खाते हैं, चलो 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 बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। चलो शुरू हो जाओ अरफा, 1 2 3 गो। यही वैसे है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे से हैं। तो आज है संडे, तो आज बनेगा हमारे घर में संडे है तो मटन बोली थी मैं, तो ये लेके आए नहीं, चिकन ले आए कि बच्चे लोगों को चिकन पसंद है। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन करी। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन करी। तो मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं पिछले ब्लॉग में देखे थे मीर बानो को गिटार सीखने जा रही है वो गिटार क्लास, लेकिन गिटार है नहीं उसके पास। तो हम लोग उसके लिए एक नया गिटार मंगाने वाले हैं। मंगा दे तुम्हारे लिए एक नया गिटार? हाँ। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट बहुत है सीखने का, इसलिए हम लोग उसके लिए एक नया गिटार मंगवाने वाले हैं। तो गिटार हम लोग मंगाएंगे नाहिज ब्लॉग, जो हम लोग उसी के नाम से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अमेजोन के साथ। तो उसी का लिंक हम लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से हम लोग इसके लिए गिटार मंगाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे गिटार को हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां पे यूट्यूब में नाहिज ब्लॉग सर्च करना है और हमारे पेज पे चले जाना है और किसी भी वीडियो के क्लिक करिए और यहां डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, नीचे टिंकी का गिटार का लिंक है, ये देखिए यहाँ, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे तो आप सीधा अमेजोन में चले जाएँगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं बाय नाउ करके। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग पहले से ही एक मंगवा चुके हैं, इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे बाय नाउ करना है, क्लिक कर देना है और बाकी का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। हम लोग एक मंगवा चुके हैं पहले से, तो आपको अगर ये गिटार चाहिए तो आप भी मंगवा लीजिए। और जल्दी उसका गिटार आने वाला है, तो उसके गिटार के साथ हम लोग वो बजाएगी और हम लोग सब सुनेंगे। हालांकि वो अभी सीख रही है, पहला है, तो आप लोग दुआ करिए कि वो जल्दी जल्दी सीख ले, ठीक है बेटा। आप खुश हो तुम? ऑर्डर तो बना है क्योंकि कस्टमर आए जा रहे हैं, आज संडे है तो इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन। देख सकते हैं मेरा चिकन अभी बन रहा है और यहाँ पर मैंने खट्टा चढ़ाया है, दालचा वो बन रहा है। और क्या बेटा, और मीर बानो लहसुन छीलने में मेरी मदद कर रही है क्योंकि उसके पापा को खाना है गार्लिक, क्या बोलते हैं, गार्ली हनी चिकन। तो अभी हमारा बनेगा गार्ली हनी चिकन। और यहाँ पर देखो हमारे बच्चे सब मास्क पहनते हैं, हम लोग सब मास्क यूज़ करते हैं पार्लर में, और ये भी मास्क पहनी हुई थी पर अभी खा रही है आमचूर इसलिए वो मास्क नहीं पहनी है। ये मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज एक नया पैक, जिससे कि देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ग्लो करता है। तो बहुत सारा पैक मैं यूज़ करती हूँ जो कि झाइयाँ के लिए, रिंकल्स के लिए, डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल तो मेरा इसलिए कि आरफा मेरे को रात भर सोने नहीं देती, बहुत परेशान करती है, तो वो जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसका तो डार्क सर्कल हो गई। तो देख सकते हैं मेरा स्किन में आपको ग्लो दिखाई देता होगा। तो आज आपको अगर ऐसा ग्लो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी एक तो पैक जो कि आपके चेहरे को पिंकिश ग्लो देगा, तो बने रहिएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं क्या लाया हूँ, अल्लाह का घोड़ा है ये तो, हाँ हम लोग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रासहॉपर। इसको चश्मा पहनाओगे क्या? देखो एक गेस्ट आया है, इसको खाना खिलाएंगे क्या? हाँ। क्या खिलाएंगे? बाल खा दी। ओए ओए, मेरे बाल खा रहा है। मेरा बाल खा रहा है? अब तुम्हारा बाल खिला दूं? नहीं। चलो यार ठीक है, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, अब ये चला जाएगा, ठीक है। ओ तो यहाँ आ गया, मेरे ऊपर चढ़ गया अभी। ओए 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 ओए, नहीं फेंक दे रहा, उड़ा दे रहा। उड़ गया, चलो हाँ काट लेगा ना, हो गया। फेक बनाएंगे, ठीक है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही और शहद। जरा जल्दी लगा दे रही हूँ क्योंकि आरफा को बहुत भूख लग रही है, अभी आरफा खाएगी। चीची मोमो खाओगे बेटा? अच्छा ठीक है, पकौड़ा खाओगे? हाँ। तो इसको स्किन में अच्छे से अप्लाई कर लें। आरफा लगाओगे? नहीं लगाओगे, गोले हो जाओगे लगाओगे तो।
तो अभी लगाएंगे टिंकी को। बच्चे लोग को आप लगाने से 10 से 15 मिनट दही का खुशबू आ रहा है। खुशबू आ रहा है ना, तुमको तो पसंद है ना? नहीं। चलो, वाओ देखो अभी आरफा भी पिंक पिंक दिखने लगेगी, है ना आरफा? आरफा अच्छी लगेगी। देखोगे आरफा तुम्हारा फोटो? रुको दिखाती हूँ, इधर दिखाओ। आगे आरफा के ये देखिए उसका रिजल्ट जो करी थी। ये आरफा का रिजल्ट, आरफा भी लगाई थी ना? क्या लगाई थी आरफा? पैक पिंक पिंक नाक में लगा हुआ है। ये आरफा के दादाजी आए हैं। अभी हमारा खाना वाना सब हो चुका है, यहाँ टिंकी रेडी के अभी हो जाएगी म्यूजिक क्लास। तो अभी मेरा हालत देखिए, मैं सर भी नहीं की हूँ सुबह से, फिर कस्टमर लगे हुए हैं। अभी फेशियल भी हो गया हमारा, तो फेशियल का मैं नहीं दिखा पाई आपको, तो अभी वो स्पा करने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो मैं दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी उनका स्पा हो गया कंप्लीट, ये लास्ट वॉश जो हो रहा है, हेयर वॉश लास्ट वाला किया जा रहा है। और आरफा सॉरी मीर वालों यहाँ पर रेडी हो चुकी है। क्या टोपी? टोपी आरफा यहाँ बार बार आरफा बोल रही टिंकी भाई, उल्टा पहने हो, उल्टा टोपी पहने हो। तो अभी टिंकी तैयार हो चुकी है गिटार क्लास जाने के लिए। मेरे कस्टमर इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, आज यही जा रहे हैं। आज संडे है इसीलिए पार्लर में देख सकते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। आओ जाएंगे आरफा, आ जाओ स्टाइल, आ जाओ। तो अभी म्यूजिक क्लास के लिए जा रहे हैं, आज संडे है। अभी निकाल दो यहाँ से, फट चुका है ये, पकड़े रहो जोर से ना, ठीक है? 1 2 3 छोटी दीदी बन के बैठे वहाँ पे, हाँ? तो तुम नहीं जाओगे? हाँ ठीक है, खेलो खेलो, मैं टिंकी को छोड़ के आता हूँ, ठीक है? बाय करो। बाय बाय। उसको म्यूजिक क्लास में बिठा के आ गया हूँ। सभी मेरा बन गया गर्मा गर्म खीर, देख सकते हैं आप। बहुत ज्यादा ही गर्म है। हाँ ज्यादा ही गर्म है, पर मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ, खा के बताइए कैसा है। ठीक है, खा के दिखाता हूँ। आई आरफा जाके मिट्टी में बैठी थी, तो अभी ये बताएंगे कि मेरा हाथ का खीर इनको, मेरा हाथ का खीर तो हमेशा खाते ही हैं, पर आज मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाई हूँ खीर को, देखते हैं। टेस्ट है आरफा, आओ एक चीज खाओगे, आओ एक चीज खाओगे आरफा, एक चीज खाओगे जल्दी। हाँ मैं आता हूँ चप्पल निकाल के। और फाड़ दिया ना, अभी कल देगी टिंकी अच्छे से जो फाड़ दिए। बाप रे, अब तो टिंकी मारेगी ही तुमको। मुझे पकड़ा बोलने चाहिए, पकड़ा चाहिए तो पकड़ा के वजह से उसको फाड़ दोगे कि तुम? हाँ अभी डांटूंगा तो ब्लॉग देखोगे तो बोलोगे तुम मुझको डांटते हो, तुम मुझको गाली करते हो ब्लॉग देखने से। और रो रहे हो सच में? नहीं। आरफा कहाँ चढ़ी है? उसको मैं हनी चिकन खिलाने वाला था और वो मेरे कंधे पे चढ़ गई है। है ना प्यारी आरफा, मैं गाली करूँगा तो मेरे को वो ब्लॉग देख के रोती है, बोलती है मेरे को गाली करते हो, इसलिए मैं गाली नहीं करूँगा। और अभी खिलाऊंगा आरफा को हनी चिकन। चलो देखते हैं ये कैसा चिकन। चलो शुरू हो जाए आरफा, 1 2 3 गो। वैसे है
ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम हो गया डिनर का टाइम, तो हम लोग ने डिनर कर लिया है सबको ही, और आरफा सो चुकी है और टिंकी भी सो रही है। तो मैंने पार्लर में यहाँ पर हम लोग ने आज सोचा है कि हम लोग जो भी कमेंट्स वगैरह आता है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं बच्चों की वजह से, जानते हैं कि दिन भर बिजी रहते हैं, कस्टमर आते हैं। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग रात को बच्चे लोग सोने के बाद हमारा जो भी कमेंट्स वगैरह है और जो भी क्वेश्चन आता है मेरे पार्लर रिलेटेड उसका आंसर मैं दूंगी रात को। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए कुछ पढ़ते हैं जो जो हम लोग को कमेंट्स आया है कुछ पार्लर के रिलेटेड, उसको मैं पढ़ूंगी और उसका आंसर भी आज दूंगी। हाँ तो मैं बोलता हूँ। हाँ तो चलिए पढ़िए। तो पहला कमेंट है, क्वेश्चन है आपके लिए, कि मैम गर्मी में अंडर आर्म्स की बदबू के लिए कौन सा डिओड्रेंट और कौन सा पाउडर है? हाँ हमारे ब्लॉग के जीवन में पहला कमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर आर्म की बदबू का। हाँ हाँ, क्योंकि पार्लर है तो हर कोई अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो ये मैं डाल दूंगा ये वाला जो कमेंट है। बहुत सारे का ये क्वेश्चन होगा भी कि गर्मियों में ज्यादा पसीने वगैरह, अभी तो सर्दी है लेकिन जो कोई भी ये क्वेश्चन किया है कि गर्मियों में हमारा जो ज्यादा पसीने वगैरह निकलते हैं, वो हमारे देवेंद्र भाई का क्वेश्चन है, देवेंद्र कांसारी है, गर्मियों में अंडर आर्म्स के लिए कौन सा ड्यूडर अच्छा रहेगा, तो आप बताइए। हाँ तो गर्मियों में हमारे अंडर आर्म्स में ज्यादा पसीना होता है ना, तो उसकी वजह से स्मेल ज्यादा आने लगता है, तो उसके लिए हमारा घरेलू उपचार भी है। पर आपको खुशी ने ये पूछा है कि स्प्रे कौन सा अच्छा है, कौन सा ड्यूडर अच्छा है उसका ब्रांड बताने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है अमेजोन से इन्होंने दे दिया है, मैं डाल दिया हूँ आपके वो अपना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। हाँ। जिस ब्लॉग में आप कमेंट किए उसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। हाँ, तो आप कमेंट में जाके कमेंट में जाके वो चीज को आप बाय कर सकते हैं मेरे एफिलिएट के जरिए से, जो अमेजोन एफिलिएट है ना उसके जरिए से आप बाय करिए। मेरे दोनों पाउडर और ड्यूडरेंट दोनों का हम लोग दे दिया लिंक, आप वहाँ जाके अमेजोन से खरीद लीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है जो की हमारे बहुत सारे ब्लॉग में वो भाई हमारे कहर जी है, मैं ये कमेंट डाल दूंगा, वो हर ब्लॉग में ज्यादातर ब्लॉग में हेयर मेहंदी ब्लॉग बनाओ मैडम बोल के बोलते रहते हैं, तो बहुत जल्द आपको बनाना पड़ेगा। तो हेयर मेहंदी का ये है कि बहुत सारा मेहंदी का ट्रीटमेंट आता है, तो मैं कौन सा वाला डालूं, क्योंकि मेहंदी के लिए हमारा बहुत सारा फायदेमंद है जो कि जैसे कि हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, तो हर मेहंदी पैक का अलग अलग बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी कस्टमर आते हैं मेहंदी ट्रीटमेंट लेने के लिए तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है हेयर के लिए। तो आप हमको कमेंट्स में ये बताइए कि किस चीज़ को बेस करके आपको मेहंदी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना के एक स्पेशल मेहंदी ब्लॉग बना के डाल दूंगी उसको। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो मेरा चैनल को जो भी नए आए हैं उन लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और नए व्यूअर्स हैं सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे ब्लॉग में और अपने आगे चल के क्या देखना चाहते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी फैमिली जान पहचान है उन लोग को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, चुप क्यों रहे हो, hold me close till I get up, time is barely on our side.